माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित समस्त महानुभावगण को मेरा सादर प्रणाम। महोदय, मैं राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव गांग्यासर से संबंध रखती हूं और उस छोटे से गांव से उठकर आज इस ऐतिहासिक भवन में इस सभा को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव व सम्मान की बात है। मेरी ही भांति भारतीय सूचना सेवा के सत्र 2016-2017 में देश के विभिन्न भागों से विविध पृष्ठभूमि के साथ 27 अभ्यर्थी चयनित होकर आए। भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, के प्रतिष्ठित सर्वोच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं एकमात्र महिला विद्यार्थी थी, जो यह दिखलाता है कि भारत भले ही विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीक आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ गया हो, परंतु लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर अगला मुकाम हासिल करना अभी बाकी है। सिविल सेवा से जुड़कर मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं इन मुद्दों के प्रति जनता की संवेदनशीलता को उभार सकूं। अपने प्रशिक्षण के दौरान मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन में सूचना व संवाद की भूमिका को समझने हेतु गाँवों का दौरा किया और जाना कि किस प्रकार इस योजना ने महिलाओं को घर, घूंघट और धुएं के गुब्बार से बाहर आने का एक अवसर प्रदान किया। कुछ ऐसे ही और प्रयासों की विकसित होते भारत को दरकरार है। महोदय, सुचित समाज ही सशक्त समाज बन सकता है। मेरा विश्वास है कि इस संदर्भ में सूचना का महत्व इस डिजिटल विश्व में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ग्रामीण भारत व शहरी इंडिया की दूरी को सूचना क्रांति समाप्त करने में सक्षम है। भारतीय समाज के कई भाग हैं जो भिन्न भिन्न विशेषताएं लिए हैं और इन विविधताओं की वास्तविकता को सरकारी नीतियों में पिरोने के लिए प्रथम नागरिक को अंतिम नागरिक से जोड़ना जरूरी है, जो कि सूचना के माध्यम से ही किया जा सकता है। वर्तमान युग सूचना क्रांति का विकसित स्वरूप लिए हुए है, जहां सोशल मीडिया की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं सोशल मीडिया की इस बढ़ती भूमिका ने फेक न्यूज़, पोस्ट ट्रुथ जैसे चिंताजनक मुद्दों को भी उभारा है। अतः इस स्थिति में सरकार की सक्रियता की मांग सूचना प्रसारण में और भी बढ़ जाती है। वस्तुतः भारतीय सूचना सेवा की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ रही है और इसी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए हमें 8.5 महीनों के प्रशिक्षण के दौरान सूचना व संवाद के विभिन्न आयामों, चुनौतियों व उपायों से अवगत करवाया गया। महोदय, सिविल सेवा से जुड़ने का हमारा उद्देश्य यह था कि हम नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन का हिस्सा बनकर देश में सतत व समावेशी विकास को सुनिश्चित कर सकें और हम इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भागवत गीता की यह पंक्ति, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवः अर्जुन, हमें सदैव कर्म मार्ग में अर्जुन के समान योगी बनने की प्रेरणा देती रहेगी व लोक सेवा हेतु आने वाले भविष्य में निरंतर मार्गदर्शित करती रहेगी। राष्ट्रपति महोदय, आशा है कि इस मार्ग में आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही आगे भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।